पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जिन्हें सच्ची लगन से जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने का प्रयास किया है, और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सफल प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत सफलता मिल रही है। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी इसी सूबे के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और आज के कार्यक्रम की रूह जिसको कह सकते हैं, ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं 5 अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था, वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं, और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो, ये मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करें। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे, हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा दिया है, और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है, और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा।